अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, दिसंबर महीना आ गया है, ये साल 2021 खत्म होने वाला है और देखते हैं कि ये आखिरी महीना कैसा रहने वाला है हमारी तुला राशि वालों के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं देखूंगी आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी लव रीडिंग और उसके साथ हेल्थ और एंजल के मैसेज आपके लिए क्या होते हैं इस महीने में। ओम मणि पद्मे। सबसे पहले देखूंगी कि दिसंबर महीने में हमारी तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। ये मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूं तो देखिए, ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि ये है सन कार्ड, इंजॉयमेंट का कार्ड, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ। तो अगर आप बहुत टाइम से कोई कोशिश कर रहे थे तो अभी मैं कार्ड्स में और देखूंगी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। लेकिन टोटल मिलाकर अगर कहूँ तो दिसंबर महीना तुला राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति, जॉब, कामकाज, इन चीज़ों के लिए मुझे बेहतर दिखाई देता है। हो सकता है कि आप कुछ टाइम से मेहनत कर रहे थे और वहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर एक सूरज निकला है जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और देखिए, हाँ, यही चीज़ मुझे दिखाई दी थी कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये कब आता है? जब रीबर्थ का कार्ड है, ये जब एक नई शुरुआत होती है। तो मैं कहूँगी कि आप में से बहुत लोग हैं जो काफ़ी टाइम से पहले, हो सकता है उनका काम काज ठीक ना हो, वो थोड़े से स्टक एनर्जी में थे, जकड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन कहीं ना कहीं से एस का कार्ड है तो डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है और अब आप आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि अपने काम में नई शुरुआत करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोग हैं जो कि नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे उनकी जॉब इस महीने में होते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। और अगर आप बिजनेस पहले से कर रहे थे और उसके अलावा उसमें कुछ नया करना चाहते थे, रेनोवेशन करना चाहते थे, या बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नया काम स्टार्ट करना ही चाहते थे, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत यानी कि दूसरा जन्म, यानी एकदम अलग तरीके से आप उस चीज़ को पेश करेंगे, एक नया प्रेजेंटेशन लाएंगे अपने अंदर। हो सकता है आपके जॉब में भी या आपके बिजनेस में भी, दोनों में ये चीज़ें दिखाई दे रही, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और साथ साथ ये पॉजिटिविटी का कार्ड, सन कार्ड आया था, तो दोनों यहाँ पर मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या दिखता है। वाह, क्या बात है, यहाँ तो जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। सब कार्ड्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपका जो पीछे कुछ महीने थे या साल, जो भी टाइम था, वहाँ पर अच्छा नहीं था। आपने बहुत कोशिश की है, मेहनत की है, डिवाइन से प्रार्थनाएं की हैं इन चीज़ों के लिए कि आपका मनी मैटर सुधर जाए, आपके काम बन जाए, तो आप जैसा ऐसी स्थिति थी कि जैसा कोई अंधेरे बॉक्स में बंद हो या स्टक हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो, हाथ पैर मार रहे हैं। और शायद ये हो सकता है जो लॉकडाउन का पीरियड था उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इतना सब होने के बाद अब देखिए, डिवाइन की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। तो अब डिवाइन की तरफ से आपको जजमेंट भी मिलेगा, और अगर आपके काम काज या कहीं पर किसी ने कोई गड़बड़ की थी और वो आपसे दुश्मनी निकाल रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो हो सकता है कि उनको अकल आ जाए और वो आपसे बात बात में दोबारा पैचअप करने की कोशिश करें या माफ़ी मांगें, ऐसा भी दिखाई देता है। और देखिए, एक चीज़ और है कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा,
लेकिन फिर भी आप बहुत गहरी सोच में डूबे हुए मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपकी फैमिली, बाहर के लोग सब खुशियाँ मना रहे हैं अपने में, लेकिन आप ज़्यादातर खुद को अकेला कर ले रहे हैं। पता नहीं, शायद रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो मैं भी आगे देखूंगी, या काम काज की प्रॉब्लम है, कुछ तो है जिसको लेकर, या कोई आप लंबी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आगे मुझे ये करना चाहिए, तो आप बिल्कुल अकेले में। कुछ बातें तो आप किसी किसी को शेयर कर रहे हैं, और कुछ बातें सिर्फ आपने अपने मन के अंदर अंतर मन में रखी हुई हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और कभी कभी आप थोड़े से निराश भी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। तो मैं कहूँगी कि एकदम से ऐसे कोमा में चले जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर बाहर दुनिया में लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कलरफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, और आपके में सन कार्ड आया, तो आप भी निकलो, ऐसी ज़िंदगी जियो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिविटी आती है। आप जब ऐसे रहोगे, लोगों के बीच में मिक्स होगे, क्योंकि बुरा टाइम आपका चला गया, अब एक अच्छा बेहतर समय आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, तो फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अकेलेपन में मत जाकर बैठ जाइए आप। लेकिन देखिए, यहाँ पर आया है एक चीटिंग का कार्ड, तो मैं कहूँगी कि काम काज के प्लेस में, बिजनेस में, कहीं पर भी आपका या तो कोई कलीग है, या आप जहाँ पर अभी कुछ काम कर रहे हैं, या आपने कोई बिजनेस किया है, कोई पार्टनरशिप की है, कोई तो है पर्सन जो यहाँ पर पैसे के मामले में आपसे चीटिंग कर सकता है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो कोई भी है आपसे छुपा कर कुछ कुछ कर रहा है, उसको लग रहा है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बातें पता चल भी सकती हैं, किसी किसी को तो पता चल ही जाएंगी और आप तक आएंगी। फिर आप दुखी होंगे कि मैंने इसके लिए इतना अच्छा सोचा और ये ऐसा निकला। तो उससे पहले ही मैं कहूँगी कि कार्ड में दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप सतर्क रहिए, अपने पैसों को संभाल कर चलिए, काम में अगर कोई कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसको संभाल कर चलिए, मतलब सतर्क रहिए अपने आसपास की परिस्थितियों के हिसाब से। और देखिए, बहुत बार ऐसा होगा तुला राशि वालों की आपकी आपको अभी कुछ नए नए चांस भी मिलते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप एकदम से जुनून में, जोश में आगे बढ़ेंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। कुछ लोग उदास हो सकते हैं, कुछ के साथ जजमेंट हो सकता है, कुछ के साथ रीबर्थ हो सकता है, कुछ के साथ चीटिंग हो सकती है, तो कुछ एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसा रीबर्थ में डिवाइन आपकी शुरुआत कर रहे थे, यहाँ पर आप मुझे एक नए जोश जुनून के साथ, एकदम फ्रेशनेस के साथ एक शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा जोश हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अगर आपका कोई वफादार दोस्त, कलीग, या घर में, फैमिली में, लव्ड वन, कोई आपको कुछ भी समझाता है ना कि ये चीज़ ऐसे कर लो, थोड़ा संभल के चलो, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो देखिए कि चलते चलते कहीं आप ये सामने गड्ढा है उसमें गिर ना पड़े, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, फूल की एनर्जी यही बताती है कि कहीं बेवकूफ़ी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए आपसे, तो ज़रा संभल कर चलो, ठीक है। तो फुल पॉजिटिविटी है और इतना बुरा नहीं दिखाई दे रहा, जो छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं देखूंगी कि आपकी लव रीडिंग कैसी रहेगी रिलेशनशिप के मामले में। देखिए, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो यहाँ पर आप मुझे कुछ टाइम से स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा और काफ़ी जकड़न सा महसूस कर रहे थे, जैसे आपको ये लगा कि किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया है, आपको हर्ट किया है, तो आप अपने आप में कुछ नहीं समझ पा रहे थे, बिल्कुल शांत होकर बैठ गए थे। लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है कि आप किसी स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और वहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर के पीछे एक गोल्डन चक्र दिखाई दे रहा है, तो ये जो चक्र है ये डिवाइन की एनर्जी को, पॉजिटिविटी को दिखाता है। और ये इंसान अगर ऐसा उल्टा लटका रहता है तो ये कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है। तो जब ये रिवर्स आता है, तो यहाँ पर ये दिखता है कि आप इस स्टक एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे अभी, जैसा कि आर्थिक स्थिति में भी था कि आप बाहर आ रहे हैं यहाँ पर भी। और अगर इसके जस्ट नीचे का कार्ड देखूँ, तो यहाँ देखिए जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है।
रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसा ही है, अगर किसी ने आपसे गलती की थी, कुछ मैटर हुआ था, तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा, आपसे माफी मांगेगा। एस ऑफ वॉन्ट्स, देखिए यहाँ पर भी यही दिखता है कि आपके लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ पर भी आप दोनों एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए फिर भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इतना सब के बाद भी आप एक जकड़न से निकल तो रहे हैं बाहर, लेकिन यहाँ पर देखिए आप उदास दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के मामले में, प्यार के मामले में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ कार्ड में दो कप पीछे रखे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, इसको डिवाइन ने तैयार करके रखा है आपके लिए। तो जीवन में कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है, तो उम्मीद रखिए कि जो पीछे है वो आपको मिल जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि देखिए कार्ड में जो यहाँ का माहौल है वो गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा, निगेटिविटी आपके मन में छुपी हुई है। तो आप अपने अंदर से इस निगेटिविटी को निकालिए, और अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है प्यार के मामले में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी नया आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या हो सकता है, या पुराने में से रिटर्न हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ऐसे उदास मत होइए। द चैरियट, देखिए आप लोग क्यों उदास हैं, क्योंकि शायद कोई रिलेशनशिप में मामला हुआ है और उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको भूल नहीं पा रहे हैं। एक लत जैसी होती है ना, किसी को ड्रिंक की, किसी को सिगरेट की, किसी को ड्रग्स की, तो किसी को मूवी देखने की, मतलब एक बुरी लत होना। तो वैसे ही रिलेशनशिप में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप शायद दूर हो गए हैं उनसे, लेकिन आप अपने दिल से उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चैरियट की एनर्जी आई है, और ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत। अगर एनर्जी बैलेंसिंग आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। कि वैसे तो मैं ट्विन फ्लेम्स को ही बताती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पर जितने इंसान होते हैं, देखिए ये जो ब्रह्मांड में एनर्जी से ही चल रहा है, तो एक निगेटिव है, पॉजिटिव है, और ऊपर से सुपर पावर है। तो जब आप निगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर लेते हैं, तब आप को डिवाइन की जो पूरी मदद है, उनका आशीर्वाद है, वो हमेशा वैसे भी मिलता है, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पहले अपने को बैलेंस तो करो। तो अगर आप बैलेंस कर लेंगे, आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए। अगर कुछ चीज़ें अंदर भरी हुई हैं उनको निकालिए और आगे बढ़िए, और आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं, एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है कि कोई थर्ड पार्टी का मैटर भी है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का मामला था, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन दोनों चीज़ों के बजाय आपकी ज़िंदगी में किसी नए की एंट्री हो जाए, ठीक है, या हो चुकी हो और वही चीज़ें कारण बनी हों आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी मैं कहूँगी कि आप दोस्त मित्रों के साथ कभी कभार बीच में पार्टी शार्टी करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और कभी कभी आप उदास भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं कि आप खाली रहेंगे, कुछ ना कुछ एंट्री तो ज़रूर होगी, या पहले से अगर है तो आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि आपका दिल जो चीज़ चली गई उसमें लगा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी, तो आप बस सिर्फ इसलिए इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं कि आपका मन लग जाए। मुझे यहाँ पर अंदरूनी प्यार नहीं दिखाई देता है, तो आप शायद वक्त बिता रहे हैं, और जो मैंने कहा कि कोशिश कीजिए इससे निकलने की, वही आप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूज़न का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप को लेके, इमोशन को लेके आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये करेक्ट है, या जो पीछे गया उसके बारे में सोचूं, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है अभी तो इस महीने में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ पाने की उम्मीद है। आप एक ऐसा प्यार चाहते हैं जो आपको समझे, आपकी आत्मा को समझे, आपसे अनकंडीशनल लव करे, ऐसी सोच है आपकी। और जहाँ तक बहुत सारे तुला राशि वालों के जो पार्टनर हैं, वो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए शायद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, और आपको ऐसा भी लगता है कि शायद वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का मैटर हो गया है और वो कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड आया था और हैंगमैन रिवर्स, तो हैंगमैन रिवर्स ने बताया कि आप इससे निकल जाएंगे। तो देखिए दिसंबर महीने में तो थोड़ी एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है। तो ये था, और मैं दो कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आप अगर जाना चाहते हैं।
हमारे तुला राशि वाले हैं उनके पार्टनर इस दिसंबर महीने में उनके लिए क्या थॉट रखते हैं, क्या सोचेंगे। देखिए यहाँ पर तीन तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि हर तुला राशि वाले यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं, उनका दिल टूट रहा है। जैसा मैंने कहा कि नए लोग भी आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो बहुत सारे आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो और वो किसी ऐसे मैटर में ना हो, आपके बारे में ही सोच रहे हों। तो यहाँ पर आया है द हेरोफ्रेंट, जो दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल ये किसी नई चीज़ को दिखाता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन का प्रपोजल आपकी तरफ आए, कोई नया प्यार, कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों की स्थिति ये है ना कि आपके पार्टनर भी उसमें से कोई थोड़ा बहुत नाराज़ है, और आप भी आप रात रात भर जाग रहे हैं और आप सो नहीं रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों ही ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अगर वो शादी सोच रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो आपको बता नहीं रहे हैं, ऐसा क्लियर कर दें तो ये बात ही ना है यहाँ पर। और जो दूसरा है कि आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप बढ़ रही है, कोई ऑफर आपको अगर मिल रहा है नया, तो भी आप सोच में पड़ जा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था रिलेशनशिप में। आगे देखती हूँ कि इस महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए तुला राशि वालों, यहाँ पर हेल्थ के मामले में कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। या तो हो सकता है कि आपके परिवार खानदान में या आपके जानने में कहीं पर हो सकती है कि किसी के डेथ की न्यूज़ मिले आपको, कोई बुरी खबर मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कहीं और देखती तो इस कार्ड का मीनिंग कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मैंने सेहत की बात पूछी। तो देखिए आप बहुत स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सोच सोच कर टेंशन लेकर और अपनी सेहत या तबीयत को ख़राब कर लें। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ऐसे जकड़ा महसूस करेंगे तो मैं कहूँगी पहले से सतर्क रहिए, महीना आने वाला है, तो खाने पीने किसी भी चीज़ में आप ध्यान रखिए, क्योंकि तबीयत खराब होते हुए दिखाई दे रही है, आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पता तबीयत के बारे में कोई गलत न्यूज़ मिल रहा है आपको और आप अंदर से तकलीफ महसूस करें, तो आपको अभी से संभल कर चलना होगा। कहते हैं कि ये तो मैंने बताया एंजल्स और डिवाइन स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। इस महीने में डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए। ये ज्यादा कार्ड गिरने को नहीं लूंगी, फिर से निकाल दूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए सन कार्ड है, मैं आपको पॉजिटिविटी दे रहा हूँ, हैप्पीनेस दे रहा हूँ, एंजॉयमेंट दे रहा हूँ, सब चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, जो कुछ बिगड़ा है उसमें। लेकिन आपको इस एनर्जी में आना होगा, थोड़ा लाइव हो जाइए लोगों के पास, फैमिली में मिक्स होइए, दोस्तों में मिक्स होइए, एंजॉय करिए, सेल्फ लव कीजिए अपने आप से। और ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप मैरिड हों और आपके बच्चे हों, बच्चों के साथ आप एंजॉय करें, या हो सकता है कि आप बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक आपका बच्चा हो, तो ऐसी कोई न्यूज़ मिले आपको, ये चीज़ें संदेश यहाँ पर हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि ये सब पाने के लिए आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मुझे दिखता है कि थोड़ा सा हो सकता है इतना काम काज हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी मनी क्राइसिस का मैटर कभी कभी आ सकता है, तो थोड़ा पैसों को बचा कर चलने की ज़रूरत है। और आप शायद रिलेशनशिप या किसी मामले में, चाहे काम का मामला हो, रिलेशनशिप का मामला हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो है कि भाव खा रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा आपको,
तो डिवाइन कहते हैं किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, उतना प्यार अगर आप अपने आप से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर एक पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह सब कुछ ठीक करने की, लेकिन अगला जब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो वे क्या कर लेंगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का मैटर तो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिवाइन ये कहते हैं कि अपने जीवन में डिसीजन लीजिए, और कुछ बेहतर अच्छा होने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो आप उस तरफ बढ़िए। और कुल मिलाकर अगर देखूँ तो एस ऑफ कप आया है, तो यहाँ पर चाहे इमोशनल चीज़ों के मामले में तो डिवाइन आपकी मदद करेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा आप अकेले पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डिवाइन आपके साथ है यहाँ पर, और एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है इन दिनों में। तो जब ये एस ऑफ कप दिखता है तो ये दिखाई देता है कि आप थोड़े आध्यात्म की तरफ जाएंगे, ध्यान मेडिटेशन करेंगे, जैसा मैंने एनर्जी कनेक्शन की बात की वो सब करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो देखिए चाहे इस मामले में हो चाहे यहाँ मनी मैटर के मामले में हो, दोनों जगह डिवाइन, क्योंकि यहाँ एस के कार्ड आए हैं तो साफ साफ है कि डिवाइन आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए एंजल भी दिखाई दे रही हैं जो दो कप्स को मिक्स कर रही हैं। तो अगर रिलेशनशिप के मामले में आप उदास हो रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि पेशेंस रखिए, जो ये हमारे गार्जियन एंजल हैं ये दो कप को मिक्स करके कुछ रेडी करके आपके लिए तैयार करने में लगी हुई हैं। तो ये थी तुला राशि वालों आपकी रीडिंग। तो ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी एक साथ होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है अगर आप जानना चाहते हैं। इससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो उन सब चीजों के बारे में सिर्फ सवाल अपने मन में मत रखिए। मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ मिनिमम फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप दिखा सकते हैं, कुंडली रीडिंग भी करवा सकते हैं, मैं कुंडली भी देखती हूँ, विश्लेषण करती हूँ पूरा, दोनों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर नोट कीजिए 9323135551। मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। तो अभी देखिए वीडियो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए तुला राशि वालों धनु राशि के बाद आप लोगों ने पिछले महीने में, ये जो महीना अभी है मैं जिसमें वीडियो बना रही हूँ, नवंबर नहीं अक्टूबर में, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा मेरे वीडियो को, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी इस महीने में मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने देखा, तो ये भी था कि आपको वीडियोज़ अच्छे भी लगे थे, तो यानी आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, तभी आपके सामने वीडियो हमारा नहीं आया। तो ये वीडियो भी आप देखें, इसके लिए अगर आपके नज़रों के सामने आ गया है कि आगे भी आपको मेरे कार्ड्स की रीडिंग मिलती रहे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को टच कर दीजिए, तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। तो जाने से पहले कहूँगी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सतर्क भी रहिए, क्योंकि फिर से हो सकता है कि आपके बारे में यहाँ पर सेहत का मैटर मुझे अच्छा नहीं दिखाई दिया, तो उसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी दोबारा से मैंने सुना है कि किसी और तरह का कोरोना या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, फैल रही हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, काफ़ी चीज़ें फैल रही हैं। सतर्क रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, और चलते चलते पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।